अब तक आपने देखा कि गुंजन परेशान है कि कमला भाभी आखिर क्या खेल खेलना चाहती है जो उसने हमारी सच्चाई किसी को नहीं बताई, और वो विक्रम को फोन लगाने की सोचती है ये कहने के लिए कि हमें अपनी सच्चाई सबको बता देनी चाहिए। इतने में कमला आके कहती है कि वो विक्रम को अच्छे से जानती है कि वो गुंजन का साथ नहीं देगा, इसलिए यही अच्छा होगा कि वो अपनी सच्चाई घर वालों से छुपा कर रखे। इधर नीरज अपनी बॉस मोनिका को कमला की बनाई हुई खीर खिलाता है, जिसे खाते ही मोनिका खीर थूक देती है क्योंकि उसमें नमक है। घर के पेपर्स चोरी हो जाने से परेशान घर वाले नीरज के जन्मदिन मनाने को लेकर बात करते हैं। कितने में कमला सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आती है और अपनी की हुई गलतियों की माफी भी मांगती है, और फिर गुंजन को वहां बुला उसे भी उसका तोहफा देती है। गुंजन उसे खोल के देखती है तो उसमें लाल साड़ी, लाल चूड़ियां और सिंदूर होता है, तो गुंजन वो तोहफा देखकर झटका खा जाती है। गुंजन अपने कमरे में आकर परेशान है कि वो क्या करे। इतने में कमला आ जाती है तो गुंजन कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो कमला कहती है कि वो या तो ये साड़ी पहन के सबको अपनी असलियत बता दे कि अब वो गुंजन विक्रम सिंह है, या नहीं तो मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और गुंजन कमला की हर बात मानने के लिए राजी हो जाती है, तो कमला कहती है कि वो उसे समय आने पे बताएगी कि उसे क्या करना है, और चली जाती है। अब आगे ये गुंजनिया काहे केक के लिए परेशान हो रही, तेरे नीरज भैया नहीं मंगा के देंगे ना तो हम मंगा देंगे बस। दादी देखो कौन आया है। आइए मैडम जी आइए। बेटा नमस्ते। दादी नमस्ते। नमस्ते अंकल। हाय गौरी। हेलो मोनिका जी। आ बैठो। कहिए मोनिका जी आज अचानक कैसे आना हुआ। अंकल मैंने जो पेपर जांच के लिए दिए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है। क्या पता चला उन पेपर्स से। कुछ खास तो नहीं गौरी, लेकिन हाँ इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि ये साइन अंकल के ही है। लेकिन ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है गौरी। मैंने कल एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बोगस साइन करने वाला आदमी घर का ही है या बाहर का। अरे मैडम ये क्या बोली जा रही है आप? आपके जो जी में है ना बोल देती है। पहले तो आपने कहा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और अब फिर बेवजह परिवार वालों को एक दूसरे के खिलाफ ना भड़का रही है। एक तो हमारे घर में पहले से ही बहुत टेंशन है, और अब हम एक दूसरे को ना शक की नजरों से देखेंगे। ये बात आपकी हमें ना अच्छी नहीं लगी। कमला मैडम जी हमारी मदद करने आई हैं, और वो किसी पर उंगली नहीं उठा रही हैं, समझे तुम। पर इनके कहने का मतलब तो यही है ना। भाग आप क्यों बेकार में बात को खींच रहे हैं? पहले जांच तो पूरी हो जाने दीजिए, बेकार में ही मोनिका जी को अनकंफर्टेबल कर रही। नहीं नहीं गौरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कमला जी भी अपनी जगह पे सही है, पर हालात इतने नाजुक है कि किसी को भी ये बात मानने में बुरा लग सकता है। पर कमला जी आप ही सोचिए कि घर के पेपर्स तो हमेशा अलमारी में ही रहते थे ना, तो कोई बाहर वाला पेपर्स कैसे लेके जा सकता है। मैं जो कह रही हूँ वो तकलीफदायक जरूर है, पर परिवार के सदस्यों के अलावा और कौन निकाल सकता है। और आप ही लोग सोचिए अलमारी में से पेपर्स कैसे बाहर जाएंगे। हाँ हाँ आप सबको ना इस बाहर वाले पे भरोसा है, पर अपनी बहू की बात तो किसी को भी नहीं सुननी है ना।
सॉरी मोनिका जी, आप भाभी की बातों का बुरा मत मानिए, थोड़ी जज्बाती है। मैंने कहा ना गौरी, ये बातें किसी को भी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स ओके, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। थैंक्स मोनिका जी, आपकी मदद के लिए हमारा पूरा परिवार शुक्रगुजार है। और अब आप घर में हैं तो हम सबके साथ डिनर करके जाइएगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बेटिया, हमारी गौरी बिटिया और हमारी दुल्हन बहुत अच्छा खाना बनाती है, खाना खा के जाना। सॉरी दादी, प्लीज माफ करिएगा, मुझे घर के और बैंक के एक दो काम निपटाने, मैं फिर कभी आपके साथ डिनर करूंगी। ठीक है मोनिका जी, जैसी आपकी इच्छा। ओके देन गौरी, फिर मिलते। अच्छा दादी, नमस्ते। अच्छा अंकल। आइए मैडम जी, हम आपको बाहर तक छोड़कर आते हैं। हमें क्यों ऐसे घूर रहे हैं? हमें ये बात समझ में नहीं आती, आखिर क्या जरूरत थी बार बार हमारी बॉस से लड़ाई झगड़ा करने की? तुम उनकी बात चुपचाप सुन नहीं सकती? छोटी हो जाओगी क्या? आप हमें क्यों डांट रहे हैं? एक तो आपकी मैडम आकर परिवार वालों पे शक कर रही है, आप ही बताइए। अरे हम लोग क्या चोर उचक्के गुंडे हैं जो अपना घर बेच डालेंगे? कोई भी बाहर का आकर हमें कुछ भी कहकर चला जाए और हम चुपचाप सुनते रहे, ये क्या बात हुई? आप ही बताइए, हम घर में रह रहे या जेल में? देखो कमला, जो सच है उसका सामना करना ही पड़ेगा। और मैडम जी जो कह रही थी वो ठीक ही तो कह रही थी, घर की अलमारी में रखे पेपर्स परिवार वालों के अलावा और कौन निकालेगा? देखो कमला, जब तक सच सामने नहीं आ जाता तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम बार बार मैडम जी से इस तरह से बहस करोगी तो वो क्या समझेंगे हमारे बारे में? भगवान के लिए अगली बार जब वो हमारे घर आती है तो तुम उनसे बात बात करना और अपने जुबान पे ताला लगाना, समझी? सुनिए ना कमला रानी, इस बार तो बबलू भी साथ नहीं देने वाला तुम्हारा, अब कैसे लगेगी तुम्हारी नैया पार? सोचो सोचो। लेकिन आप विश्वास रखिए, माँ हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगी, और फिर हम सब मिलकर उस इंसान का पता लगा रहे हैं जिसने हम सबके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। लेकिन अगर हमें पता लग भी गया गौरी तो फायदा क्या है, क्या कर पाएंगे हम? क्योंकि जिसने भी विश्वासघात किया है वो है तो हमारे ही घर का सदस्य है ना।